टोरंटो की इस कनाडा की धरती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं टोरंटो में भारत की कौंसल जनरल जो बहुत सक्रिय हैं श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात करने का मौका हुआ। जो मन जो मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ मुझे भी खुशी है कि आपने इसी उमंग उत्साह से आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत उत्साह उमंग से मनाया। स्वाभिमान के रूप में बदलते भारत की तस्वीर आपने भारत में भी देखी और दुनिया के अंदर भी देखी कि किस तरीके से इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भारत ने अपने आर्थिक, सामाजिक और विश्वव्यापी प्रभाव को बढ़ाया है। आज भारत के अंदर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। बदलते भारत की तस्वीर आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत आज पूरी दुनिया के अंदर एक आवाज बन चुका है। और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जहां जहां भी भारतीय रहते हैं वह सब गर्व महसूस करते हैं कि भारत आज दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान करने वाला देश बन चुका है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति को दुनिया के अंदर एक दिशा देने का काम किया है। ऐसे दुनिया के अंदर जब भी हम आजादी के आंदोलन के लंबे संघर्ष की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि 1857 से लेकर हमने एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन लंबे संघर्ष के अंदर हमने जब अंतिम लड़ाई लड़ी तो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा सत्य की लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया और दुनिया के जो जितने भी देश उस समय की कॉलोनीज थी उन्होंने देखा कि इतना बड़ा देश में किस तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से भारत को आजाद कराया। और आज दुनिया के अंदर आज वही संदेश भारत शांति स्थिरता का संदेश दुनिया को दे रहा है। दुनिया में कितनी भी अशांति हो लेकिन भारत हमेशा मानता है कि दुनिया में अगर समृद्धि, खुशहाली, आर्थिक प्रगति लानी होगी तो हमें क्षेत्रीय स्थिरता भी बनाकर रखनी होगी और शांति भी बनाकर रखनी होगी। और इसीलिए आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सभी देशों के साथ उनके द्विपक्षीय समन्वय मजबूत है और उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के अंदर शांति स्थिरता का संदेश देने का काम किया। मित्रों, इसीलिए
आज कनाडा और भारत के भी बीच में एक रचनात्मक संबंध है, द्विपक्षीय हमारे मेलजोल बड़ा है। और मुझे तो कई बार जब मैं कनाडा आता हूँ तो भारत से इतनी दूर होने के बाद भी आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी, आपकी कर्म भूमि के प्रति आपका जिस तरीके से लगाव और जिस तरीके से कर्म भूमि में अपने सामाजिक और आर्थिक रूप से यह योगदान दिया है, उसके कारण आपकी विशिष्टता प्रमाणिकता इस भारत से इतनी दूर देश के अंदर आपकी प्रमाणिकता साबित हुई है। उससे मुझे कनाडा में आने के बाद लगता है कि जैसे मिनी भारत हो उस तरीके से कनाडा में आपको मुझे लगता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, आपने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और उन्होंने उस समय जब 2014 के चुनाव के एक साल बाद आए थे और उन्होंने कनाडा में कहा था कि हम किस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर बदलाव की क्रांति लाए, और आज ये बदलाव आप देख रहे हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि श्वेत क्रांति लाकर दुनिया के अंदर हम एक नया बदलाव लाएंगे। उन्होंने नील क्रांति के लिए 12वें कहा था, उन्होंने वो बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए इनोवेशन के माध्यम से आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया को समाधान करने का एक बड़ा देश होगा। ये तमाम चीजें उन्होंने कई सारी चीजें पर आपको बताया, लेकिन जो चीज उन्होंने 2015 में कही थी आज 2022 में उस बदलते परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आजादी के 75 साल बाद हमारा लक्ष्य एक विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने में जहां भारत का योगदान तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मूल भारतीय जो विश्व के अलग अलग देशों में रह रहे हैं उनकी कर्मशीलता, उनकी मातृभूमि के प्रति उनका लगाव और मातृभूमि के अंदर अपना आर्थिक सामाजिक सहयोग, जिसके कारण भी हम आने वाले समय में विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। और ये हम देख रहे हैं, हमें कोई लंबा सफर नहीं तय करना कि विकसित राष्ट्र के लंबा सफर करना हो। आज भारत के अंदर भी आप हर सेक्टर के अंदर देखेंगे, आप इतने बड़े देश की इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति, किसी समय रोड नहीं हुआ करते थे, पीने का पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था पूरी करती थी, टेक्नोलॉजी का अभाव था, गांव के अंदर शौचालय नहीं हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। आप देखो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना बनाई। आज भारत के गांव के अंदर अधिकतम बार भारत के गांव रोड कनेक्टिविटी है। भारत में जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे, जब 19,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, आज भारत में 100% गांव के अंदर बिजली है। आप गांव देखें, लोगों को किलोमीटर दूर हमारी महिलाओं को पानी लेकर आना पड़ता है। आज हर घर जल लक्ष्य यह है कि 2024 तक इतने बड़े भारत के अंदर जहां अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, ढाणियां हैं, छोटे गांव हैं, वहां भी हर जल के माध्यम से हर घर पर पानी पहुंचे। आज हर घर पर गैस कनेक्शन है, किसी समय लकड़ी से अधिकतम गांव के अंदर लकड़ी से चूल्हा जलाया जाता था, आज हर घर में गैस कनेक्शन है। आप देखिए पक्के मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप भारत के अंदर 4 लाख से ज्यादा गांव को भी डिजिटल हो चुके। तो हम गांव की स्थितियों को देखें
और शहरों के अंदर व्यापक बदलाव हुआ है, स्मार्ट सिटी के रूप में शहर में व्यापक बदलाव हुआ है, तो आप देखिए कि किस तरीके से एक सामाजिक बदलाव की तरफ भारत बढ़ रहा है। और ये सामाजिक बदलाव के लिए एक 75 साल की लंबी यात्रा रही, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने हाईवे देखे होंगे आप, आई हाईवे का एक जाल बिछ चुका है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हम कनेक्टिविटी के रूप में एक बेहतर भारत बन चुके हैं। और आज इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर देखो आप, सर्विस के सेक्टर में देखो, टेक्नोलॉजी के रूप में देखो, आईटी में देखो, आप हर क्षेत्र के अंदर भारत में बदलाव हो गया। आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, आप दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी तकनीकी ज्ञान, उनके नए इनोवेशन, उनकी अद्भुत क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत तीसरे नंबर का देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुका है। 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप दुनिया के अंदर बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहे हैं। कल मैं नीदरलैंड में था, नीदरलैंड के नौजवान लड़के ने किस तरीके से बताया कि भारत के अंदर ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए उसने चश्मा बनाया, उसमें पढ़ने से वो आवाज के माध्यम से वो ब्लाइंड व्यक्ति पढ़ सका। ऐसे कितने नौजवान हैं जिन्होंने बेहतर सॉल्यूशन दिया है। हमने कोविड महामारी के समय देखा, दुनिया के अंदर बड़े बड़े विकसित देश जहां पर हमसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जनसंख्या कम थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का सॉल्यूशन किसने दिया? भारत ने दिया। और भारत ने केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के 100 देशों के अंदर भारत की बनी हुई वैक्सीन पहुंची, ये पहली बार है। एक समय था कि हम सब टेक्नोलॉजी के लिए विकसित देशों की तरफ देखा करते, हर टेक्नोलॉजी कहीं से भी हो तो बड़े बड़े विकसित देश जर्मनी, जापान, यूएस, कनाडा, वहां से टेक्नोलॉजी मिलती थी। आज समय कितना बदल गया है, हम डिफेंस सेक्टर के अंदर 60-70% डिफेंस सेक्टर के सारे इक्विपमेंट भारत में बना रहे। हमारा लक्ष्य है कि 100% तो पहुंचेंगे, और लेकिन हम निर्यात भी करेंगे। हमने इस 75 साल की यात्रा के अंदर जो बदलाव देखा, एक दूरदर्शी, एक लंबी सोच के प्रधानमंत्री जिनका विजन है, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रदेश में कैसे बदलाव हो सकता है, उस बदलाव को दुनिया ने देखा, उसके बाद दुनिया ने, देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री, तब भी वो कनाडा में आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि कनाडा के जो प्राकृतिक खनिज संसाधन है उसका उपयोग मैं करूंगा। और उन्होंने कहा था कि जो हीरे तराशने का काम हमारे पास, अगर हीरे तराशने का काम होगा तो गुजरात के पसीने से हीरे तराशे जाएंगे, कच्चे हीरे आप दो तराशने का काम गुजरात करेगा और दुनिया के अंदर सप्लाई करने का काम करेगा। जहां जहां भी जैसी भी संपदा है, कहीं खनिज संपदा का इसका उपयोग करके जो भी उनको दुनिया से बेहतर सॉल्यूशन मिलते थे, उन सॉल्यूशनों को भारत में लाते थे और भारत के नौजवानों को कहते थे कि इसका नए इनोवेशन करो। और इसी इनोवेशन के कारण आज भारत दुनिया के अंदर तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज अगर आप दुनिया के अधिकतम इंडस्ट्री सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के लोगों की निगाह है तो दुनिया के अधिकतर लोगों की निगाह भारत की ओर है, क्योंकि भारत आर्थिक डेस्टिनेशन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां के स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, सॉल्यूशन देने वाली सरकार, जहां टैक्स पॉलिसी के अंदर बेहतर करने वाली सरकार,
और ईमानदार सरकार, उसके कारण आज दुनिया के अधिकतम लोग, अधिकतम कंपनियां भारत के अंदर ही अपने प्रोडक्शन को बना रही, और इसीलिए एक प्रोडक्शन का बड़ा हब भारत बन चुका है, और आने वाले समय में प्रोडक्शन का भारत बनेगा और उसकी सप्लाई चेन दुनिया के अंदर बढ़ेगी। ये बदलाव भारत के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग कनाडा की धरती पर हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में है, और आपका ये प्रयास रहता है, क्योंकि आपकी कर्म स्थली है, और भारत के जितने लोग दुनिया में रहते हैं, मैं तो जितने भी देश में गया, उस देश की सामाजिक आर्थिक हर प्रगति में योगदान है तो भारत के लोगों का है, और योगदान ही नहीं, जब भी कोई आपदा मुद्दा संकट आई तो हमारी संस्कार और संस्कृति ऐसी रही, उस आपदा और संकट के समय, उस विपदा के समय उस देश की मदद करने के लिए, वहां रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए सामाजिक रूप से आए, तो भारत की मातृभूमि के रहने वाले जो देश में रह रहे हैं उन लोगों ने सबसे पहले सेवा करने का, यही हमारी संस्कार और संस्कृति है। हम इसीलिए समाज के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, हमारी जितनी विविधता है उतनी बड़ी हमारी ताकत एकता की, और इसीलिए भारत कहते हैं विविधता के अंदर सबसे बड़ी ताकत तो भारत की है, और इसीलिए हम लोकतांत्रिक प्रणाली से, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण आज हमने हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने का काम भी किया। हमारे वहां हर धर्म को, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, ये दुनिया के अंदर तो भारत देश है, हर व्यक्ति को वहां पर काम करने की आजादी है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर अपना काम कर सकता है, अपनी कर्मभूमि बना सकता है, ये आजादी है तो भारत के अंदर है, और इसीलिए भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण आज दुनिया के लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कभी भी कितना भी संघर्ष बड़ा हो रहा हो, उस संघर्ष के अंदर भी अगर संघर्ष के कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं जो रास्ता, दुनिया का रास्ता निकाले हैं, शांति करने का काम, ये विश्वास भरोसा आज दुनिया का भारत के प्रति जमा है। उसका कारण आप सब लोग हैं, अलग अलग देश में जो भारतीय रहते हैं उनके मूल स्वभाव, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार ऐसे हैं कि वहां रहते हुए अपनी कर्म को श्रेष्ठता से करते हैं, लेकिन उस देश की मदद भी करते हैं, जिसके कारण दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं भारत के प्रति और भारत के लोगों के प्रति उस देश का रवैया हमेशा सकारात्मक रहता है, रचनात्मक रहता है, और उनको लगता है कि भारत के लोग हमारे देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर जहां जहां भी भारत का नौजवान पढ़ रहा है, चाहे वह आईटी सेक्टर में हो, चाहे आईआईटीएन हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, तमाम नौजवान वहां पर एक सिस्टम काम कर रहे हैं, नए इनोवेशन, नई सोच, नए विचार के साथ काम कर रहे हैं और उस देश को सॉल्यूशन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मैं अभी नीदरलैंड गया था तो वहां भी मैंने देखा, उसके पहले मैं जापान गया था, जर्मनी गया था, जितने भी बड़े विकसित देश हैं उन विकसित देशों के अंदर भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के अंदर अगर कोई नया इन्वेशन कर रहा है, नया सोच कर रहा है तो भारत के नौजवान कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि जय विज्ञान के साथ नया अनुसंधान, हम नए रिसर्च, नए इनोवेशन पर काम करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सब लोगों का एक सकारात्मक सहयोग है। आप सब लोग यहाँ पर रहकर भारत के, बदलते भारत की तस्वीर इस देश को बताएं, दुनिया के और लोगों को बताएं, और
सभी भारतीय कोशिश करें कि वहाँ इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, अन्य सेक्टर के अंदर अपने निवेश को, अधिकतम निवेश को ले जाने का प्रयास करें। जितना भारत में हम निवेश ले जाएंगे उतने ही भारत में आर्थिक समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और उससे एक सामाजिक परिवर्तन के नए दौर की ओर बढ़ेंगे। मुझे आशा है आपका एक सकारात्मक और एक रचनात्मक सहयोग हमेशा भारत के प्रति रहा है। आपकी कर्म भूमि है लेकिन आपकी जन्मभूमि भारत है और जन्मभूमि के प्रति भी आपकी इतनी कर्मठता के साथ हमेशा सहयोग बना रहे और आप नए जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको, सॉल्यूशन के समाधान को निकालने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप दुनिया के जितने भी लोगों से मिलेंगे उन लोगों को भारत की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, नया आर्थिक डेस्टिनेशन लाने में आपका सकारात्मक सहयोग है। मुझे याद है कि कनाडा का बहुत बड़ा निवेश आज भारत में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो निवेश सब आपके सहयोग के कारण किया जा रहा है और आप सहयोग करेंगे तो भारत में और निवेश होगा और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकसित राष्ट्र में आपका विशेष रूप से योगदान रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।